यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धीरू भाई अंबानी, यानी कि धीरज लाल हीराचंद अंबानी साहब, जिनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक थे। उन्होंने हिंदुस्तान में बिजनेस करने का तरीका बदल दिया था। वो कहते थे कि बिजनेस में रिलेशनशिप नहीं बल्कि पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने अपने दोनों बेटों अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को एज अ पार्टनर ट्रीट किया। धीरू भाई अंबानी साहब जो हर किसी के लिए आज आदर्श हैं, जब भी बिजनेस की बात आती है, स्टार्टअप शुरू करने की बात आती है, तो धीरू भाई अंबानी साहब का नाम लिया जाता है। उनसे आप और हम क्या सीख सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आपका स्वागत है मेरी नई लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम धीरू भाई अंबानी साहब। लर्निंग नंबर 1, धीरू भाई अंबानी साहब जो सबसे बड़ी बात कहते थे वही सबसे बड़ी लर्निंग है, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। ये उनसे सीखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। धीरू भाई अंबानी साहब जिनका जन्म बहुत साधारण परिवार में हुआ, बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी की नींव रखने वाले इंसान बने। वो कहते थे बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए, आगे की सोचिए, क्योंकि थॉट्स पर, आइडियाज पर किसी एक इंसान का अधिकार नहीं होता। मान लीजिए कि आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपको लगा कि क्या कमाल का आइडिया, बिजनेस आइडिया, इस बिजनेस को शुरू करूंगा, छा जाऊंगा, सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या आप सोचने लगे। थोड़े दिन के बाद में आप मार्केट में गए, आपने होर्डिंग देखा, आप ही के आइडिया पर किसी ने कंपनी बना दी और एडवर्टीजमेंट करने लग गया, तब आपको मालूम चला ओहो ये आइडिया तो पहले से मार्केट में आ गया। तो जरूरी नहीं है कि जो आइडिया आपके माइंड में आया वो किसी और के माइंड में नहीं आ सकता, हो सकता है कि जो आपने सोचा हो किसी और ने भी सोचा हो, लेकिन जरूरी यह है कि इंप्लीमेंट उस आइडिया को सबसे पहले कौन करता है, सबसे पहले मार्केट में वो आइडिया कौन लेकर के आता है। तो इसीलिए बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए, आगे की सोचिए और जैसे ही आइडिया आए वैसे ही इंप्लीमेंट करने में जुट जाइए। धीरू भाई अंबानी साहब की जिंदगी का एक बड़ा रोचक किस्सा है। पेट्रोल पंप पर वो काम करते थे, 300 रुपए की तनख्वाह थी उनकी, पर मंथ उन्हें 300 रुपए मिलते थे। वो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे उनको 25 पैसे में चाय मिलती थी, लेकिन अंबानी साहब वो 25 पैसे वाली चाय नहीं पीते थे। वो पास में एक बड़ा रेस्टोरेंट था जहां जाकर के 1 रुपए वाली चाय पीते थे। महंगी चाय क्यों पीते थे? अंबानी साहब ने खुद बताया कि मैं महंगी चाय इसलिए पीने जाता था क्योंकि उस बड़े रेस्टोरेंट में, बड़ी होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे और उनकी बात सुनने के लिए, उनके माइंड में क्या आइडियाज चल रहे हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो जानने के लिए मैं वहां जाकर के बैठता था और 1 रुपए की महंगी चाय पीता था। लर्निंग नंबर 2, हार से कभी हार मत मानना, उससे सीखना और आगे बढ़ जाना। ये सिखाते हैं धीरू भाई अंबानी साहब। उन्होंने जिंदगी में शुरुआत में जो जो काम किए उनमें फ्लॉप होते चले गए। जहां वो रहते थे उसके पास में एक पर्यटन स्थल था, वहां जाकर के उन्होंने पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। सीजन में बड़े टूरिस्ट आते थे, पकौड़े बड़े बिकते थे और उनको लग रहा था बड़ा अच्छा काम है, लेकिन वो सीजन चला गया, लोगों का आना कम हो गया। फिर उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि बेटा नौकरी करो। 17 साल की उम्र में यमन चले गए थे, यमन गए थे, इंपॉर्टेंट नहीं था, वो यमन पहुंचे, उन्होंने वहां काम किया, लेकिन सिर्फ काम नहीं किया बल्कि तैयारी की कि वापस इंडिया में आऊंगा, अपना बिजनेस करूंगा। 15,000 रुपए की सेविंग्स के साथ में धीरू भाई अंबानी साहब ने एक छोटे से दफ्तर में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। छोटा सा ऑफिस जिसमें 3 कुर्सी, 1 टेबल, 1 टेलीफोन था, वहां से उन्होंने शुरुआत की और आज उनके बेटे मुकेश अंबानी साहब के पास में एंटीलिया है जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में अगर फ्लॉप हो भी जाए तो हार नहीं माननी है, अपना काम करते रहना है, तैयारी करते रहनी है और आखिर में जीत हासिल करनी है। जैसे धीरू भाई अंबानी साहब ने अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल किया अपने बिजनेस को बड़ा करने में, वैसे ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप अपनी सेविंग्स का, अपने पैसे का क्या करते हैं? मैं पर्सनली बताऊं, अपने पैसे का इस्तेमाल, अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल उसे और आगे बढ़ाने में करता हूं, यानी कि इन्वेस्ट करता हूं पैसा म्यूचुअल फंड्स में, FDs में, SIPs वगैरह में, और ना सिर्फ इन्वेस्ट करता हूं बल्कि उसे ट्रैक करता हूं। ये ट्रैक करना क्या होता है थोड़ा सा आपको समझाता हूं। हम मिडिल क्लास लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे पैसे की हालत क्या है, क्या वो सही परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, और इसे ट्रैक करने के लिए मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूं IND मनी ऐप। ये IND मनी ऐप जो है, इस पर आप आसानी से अपने पैसे को ट्रैक कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, आपकी FDs, आपका म्यूचुअल फंड्स, आपकी जो SIPs हैं,
किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, जो आपकी वेल्थ है उसकी इस वक्त स्टेटस क्या है, कितनी बढ़ चुकी है या कहां आपको सुधार की जरूरत है, ये सब कुछ आपको मालूम चलेगा आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करने के बाद, जहां बिल्कुल फ्री में आप ये काम कर सकते हैं, अपने पैसे को ट्रैक कर सकते हैं कि वो राइट ट्रैक पर है या नहीं है। और सबसे कमाल की बात है कि यहां पर आप अपने लोन का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिएगा आईएनडी मनी ऐप ताकि आप ट्रैक कर पाए अपने पैसे को सही ट्रैक पर है या नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लर्निंग नंबर 3, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। धीरू भाई अंबानी साहब से सीखने वाली बात यह कि कम से कम शुरू तो कीजिए, आपके माइंड में कोई आइडिया आ गया है तो उसे इंप्लीमेंट तो कीजिए। धीरू भाई अंबानी साहब बचपन से ही बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने बचपन में ही पकौड़े, नाश्ता, फ्रूट्स ये सब बेचने का काम किया। जब उन्हें समझ में आया कि लॉन्ग टर्म नहीं है, फायदा ज्यादा नहीं होगा, तो फिर वो यमन गए थे, वहां जाकर के उन्होंने जॉब की थी, जॉब में जो सेविंग्स हुई उससे फिर उन्होंने कंपनी की शुरुआत की और धीरे 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 अपने एम्पायर को बढ़ाते चले गए, बड़ा नाम कमाते चले गए। धीरू भाई अंबानी साहब की एक मजेदार कहानी है। एक बार वो कार में थे, अपने ड्राइवर के साथ में कहीं जा रहे थे, अचानक से मौसम बदला, तेज हवा चलने लगी, ड्राइवर डर गया, उसने कहा कि सर गाड़ी मोड़ लें, तो अंबानी साहब ने कहा कि नहीं नहीं चलते रहो। ड्राइवर कुछ बोल नहीं पाया, साहब ने कह दिया था, चलता रहा। थोड़ी देर बाद और तेज हवा चलने लगी, आंधी आने लगी, आसपास के जो पेड़ पौधे थे वो हिल रहे थे, उसे ड्राइवर को लग रहा था कुछ बड़ा ना हो जाए, वो फिर से हिम्मत करके बोला कि सर वापस गाड़ी मोड़ लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं चलते रहो। थोड़ा और आगे चले तो उन्होंने देखा कि शेल्टर में जो सुरक्षित जगह थी वहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने फिर से हिम्मत करके कहा कि सर देखो ना काफी लोग रुके हुए, हम भी रुक जाते हैं। अंबानी साहब ने कहा नहीं नहीं चलते रहो, बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ में कहते रहे चलते रहो। थोड़ा आगे चले, बरसात होने लगी, थोड़ी देर के बाद में बरसात रुक गई, और जब बरसात रुक गई मौसम फिर से सुहाना हो गया, हल्की हल्की धूप आ गई, तो उन्होंने कहा गाड़ी साइड में लगाओ, अब गाड़ी रोक लो। ड्राइवर को समझ नहीं आया कि अब क्यों गाड़ी रोकनी है। अंबानी साहब ने कहा कि अब पीछे मुड़ के देखो, कोई भी नहीं दिख रहा, जो रुक गए वो रुक गए, वो आए ही नहीं, और हम वो तूफान वो आंधी पार करके यहां तक पहुंच गए, इसलिए चलते रहो, रुको मत। लर्निंग नंबर 4, अपनों का साथ और ऊपर वाले का आशीर्वाद जिंदगी में कभी छोड़िएगा मत। धीरू भाई अंबानी साहब ने जिंदगी के हर कदम पर अपनी पत्नी को साथ रखा। जब वो यमन गए थे जॉब करने के लिए, यंग एज में अदन जहां पर वो पहुंचे थे, वो अदन की दुनिया कोकिला बेन जी के लिए बिल्कुल अलग थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी साहब ने अपनी धर्म पत्नी को समझाया कि इस दुनिया में भी हमें एडजस्ट करना होगा। जब मुंबई आए, जब बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे बड़े बिजनेसमैन बने, तो जब बड़ी होटल्स में जाते थे खाना खाने के लिए, 5-स्टार होटल्स में, तो अपनी धर्मपत्नी को साथ ले जाते थे और उनसे कहते थे कि आप अलग अलग क्विजीन ट्राई कीजिए, मैक्सिकन, चाइनीज, इटालियन, ये सब खाइए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी डिशेस हैं और हमें उनका लुत्फ उठाना चाहिए। धीरू भाई अंबानी साहब से सीखने वाली दूसरी बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ रखिएगा। आज भी अंबानी फैमिली राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में हर बार जाती है, हर साल जाती है, कभी भी किसी भी बड़े बिजनेस की शुरुआत करने से पहले, बड़े काम की शुरुआत करने से पहले वहां आकर के प्रणाम करना नहीं भूलती है। तो ये कल्चर आज भी अंबानी फैमिली का बरकरार है। धीरू भाई अंबानी साहब से सीखने वाली जो पांचवी बात है, आइए उसकी बात करते हैं। लर्निंग नंबर 5, चूज योर टीम वाइजली। हमने सुना है बचपन से कि अकेला इंसान पहाड़ नहीं तोड़ सकता, लेकिन फिर हमें मालूम चला कि दशरथ मांझी साहब ने अकेले ही पहाड़ तोड़ दिया था। अकेले पहाड़ तोड़ना अगर बिजनेस होता तो अलग बात होती, लेकिन बिजनेस अकेले पहाड़ तोड़ने का काम नहीं होता। बिजनेस खड़ा होता है एक अच्छी टीम से, तो अपनी टीम को वाइजली चूज करें। यह धीरू भाई अंबानी साहब की एक बड़ी लर्निंग है जो हमें सीखनी चाहिए कि जिन लोगों को हम साथ में ले रहे हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं, क्या वो फेथफुल हैं, मतलब हम उन पर ब्लाइंड ना सही लेकिन ट्रस्ट तो कर सकते हैं, ऐसे लोगों की टीम के साथ में आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स को साथ लेकर के चलेंगे, तो आपका जो भी आइडिया है, जो भी आप स्टार्टअप लेकर के आए या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं बिजनेस में, वो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। धीरू भाई अंबानी साहब ने कहा था कि अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कोई और आपका इस्तेमाल उसके सपने पूरे करने में करेगा, इसलिए अपने सपने पूरे करने के पीछे लग जाइए, उन्हें पूरा करके दिखाइए। धीरू भाई अंबानी साहब का एक खुद पर भरोसा था, खुद पर ट्रस्ट था कि वो इंसान जो एक दिन पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, आज उनकी कंपनी रिलायंस के बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं। दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है, उसी की कहानी है धीरू भाई अंबानी साहब की।